देवर सिंह कोहला पर सवार होके गोली पर श्रद्धा बंधुओं तेज को हाथ में लिया धनुष बाण को साथ में लेकर के आज राजा देवर सिंह वन में शिकार करने के लिए चल देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए राजा देवर सिंह चलते हुए जाते हैं जंगल में लेकिन कोई शिकार नहीं पड़ी। क्या हुआ बनी जंगल में पहुंचे क्या देखा एक हिरनी पड़ी खाई है एक हिरनी पड़ी खाई है और राजानी पार चलायो है कोहिनी गर्भवती थी कहने गए प्यारे भक्तों राजा जीवर सिंह आज घोड़ी पर सवार होके जिस समय जंगल में शिकार करने के लिए चले देखा क्या राजा जीवर सिंह आगे चलते जा रहे हैं लेकिन कोई शिकार नहीं आता। जब आगे घने जंगल में पहुंचे प्यारे भक्तों एक हिरनी को देखो आज जिस समय हिरनी को देखा राजा जीवर सिंह आज धनुष पर बाण को चढ़ाया आज उस हिरनी का छेदन कर दिया जैसे उसके गर्भ में लगा प्यारे भक्त वो हिरनी गर्भवती थी। आज वो जंगल में जमीन पर गिर जाती है उस हिरनी ने अपने प्राण त्यागते समय आवाज लगा दी अरे राजा आज हम अपनी एक संतान के कारण मर रहे हैं। आज तूने ये नहीं देखा आज मैंने अपने बच्चे का मुख नहीं देख पाया जो गर्व में ही मार दिया है। हम तुझे श्राप देते हैं कि राजा एक जन्म क्या तेरी कोई सात जन्म तक बेटियां बेटा। प्यारे भक्तों राजा जीवर सिंह आज महलों के लिए आ जाते हैं। इधर मन में विचार कर रहे हैं कि हे प्रभु दीननाथ क्या हुआ इधर इधर वही श्राप राजा जीवर सिंह को लगा हुआ है। रानी बाछिल इधर महलों में रहती है राजा जीवर सिंह कचहरी में बैठते हैं। प्यारे भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया बताओ 12 वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन किसी भी आंगन में बेटी या बेटा ने जन्म नहीं लिया। एक दिन की बात राजा जीवर सिंह कचहरी में वही मन में विचार करने लगे कि उस हिरनी का कहा हुआ हमें ऐसा लगता है सत्य हो गया। आज राजा जीवर सिंह क्या करते हैं ध्यान देंगे लाला दुखी हुए जेवर जी दुखी हुए जेवर जी लगत नहीं घर में जी कोई न भई संतान संतान
भैया परिषदी जी दुखी हुए जेवर जी नगद नहीं घर में जी क्यों कोई ना भाई सपना आज प्यारे भक्तों राजा जेवर सिंह मन में दुखी हैं। एक बेटा के खातिर